200 मरीजों का छापा मारा है उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने छापा मारकर 200 बिस्तर खाली करा है। ये हालत है, लोग बिस्तर पकड़कर बैठ गए, और न सिर्फ लोग बिस्तर पकड़कर बैठ गए, बाकी अस्पताल इसमें गेम खेल रहे हैं। क्या गेम खेल रहे हैं जरा ये मैं आपको समझाता हूँ। ये एक फर्जी RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट बनवाई जा रही है जिसमें फर्जी पॉजिटिव बताया जा रहा है, प्राइवेट लैब से बन जाती है, बड़े इजीली बन जाती है, फर्जी बनाया जा रहा है। अब जैसे दवा लीजिए, मैं हूँ, मेरी सेटिंग हो गई हॉस्पिटल के साथ, हॉस्पिटल ने बोला यार मैं तुमको 5000 रुपये दूंगा, तुमको यहाँ के भर्ती होना, 1000 रुपये पर दिन के दे दूंगा। मजदूर आदमी, उसके लिए 1000 रुपये पर डे के बहुत ज़्यादा है। वो वहाँ जाके भर्ती हो जा रहा है आराम से, कोविड वार्ड में जाके एक बेड लेकर बैठ गया। आप क्योंकि सरकार ने सख्ती कर दी, सबको एक एक बेड की जानकारी देनी है सरकार को, तो सरकार को जो जानकारी जा रही है उसमें क्या जा रहा है कि भाई मेरे तो 500 बेड फुल हैं, मेरे पास बेड नहीं है। बाकायदा आधार कार्ड जा रहे हैं लोगों के, आधार कार्ड से मैच होगा, हाँ भाई नितिन शुक्ला है, भर्ती है। लेकिन नितिन शुक्ला तो 1000 रुपये लेके भर्ती है, उसकी जो RT-PCR रिपोर्ट है वो तो फर्जी है। और जैसे ही कोई मोटी मुर्गी आती है जो कहती सर 1,00,000 रुपये ले लेना, 1.5 लाख ले लेना, 2 लाख ले लेना, पर हमें बेड दे दो, वैसे ही नितिन शुक्ला को किया जाता डिस्चार्ज कि तू हो गया नेगेटिव, बाहर निकल ले, और दूसरे को किया जाता भर्ती। ये बहुत बड़ा खेल दिल्ली के अंदर चल रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल इसमें शामिल हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल इसमें शामिल हैं, और ये पूरा पैसा सरकारों तक जा रहा है। कौन सी आपको समझ में आ गया? भाई छापे मारने वाली सरकार के पास तो नहीं जा रहा होगा। तो क्या चल रहा है, नितिन शुक्ला जैसे पकड़ो 20 लोग, अपने ICU वेंटिलेटर पर डालो, RT-PCR की फर्जी रिपोर्ट बनाओ, उसका आधार कार्ड लगा दो, सब लगा दो, रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी रोज इशू करा लो, पड़ा है मरने वाला भाई साहब, उसका ऑक्सीजन आ गया 40, रेमडेसिविर भी आ रहा है, सारी दवाइयां स्टॉक होती चली जा रही है। और जैसे ही मोटी मुर्गी आती है पैसे देने वाली, उसको रिलीज कर दिया जाता, बोले तुम ओके हो गए, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट, तुरंत फोन लगाता है, इसकी नेगेटिव रिपोर्ट बना भैया, नेगेटिव रिपोर्ट के बाद उसको किया डिस्चार्ज, नए मरीज को मोटे आसामी को भर्ती कर लिया। समझ में आ गया, जो मेरे नाम पे इशू हुई थी दवाइयां वो अब उसके नाम पे काम आएगी, वो भी उसको क्या बोलेंगे। अब देखो भैया हॉस्पिटल में हमने एडमिट कर लिया है, वेंटिलेटर पे हमने रख लिया है, वो हम 2 लाख रुपए ले लेंगे आपसे, 2.5 लाख, 5 लाख जो है, लेकिन दवाई आपको लानी पड़ेगी, रेमडेसिविर नहीं मिल रही भाई साहब, अरेंज करो। अब वो भाई रईस लोग जो 2 लाख 5 लाख रुपये पर डे के दे रहा, वो तो जाके भटकेगा नहीं दर दर, क्या करें। उसमें से एक वार्ड बॉय आएगा, बोले सर मैं आपका अरेंजमेंट करा सकता हूँ, मैं नंबर दे सकता हूँ, इस नंबर पर आप फ़ोन लगा लो। अब वो नंबर पर फ़ोन लगाएगा, भैया वो मेरे को रेमडेसिविर चाहिए, मिल जाएगी ना साहब, फेविफ्लू चाहिए, मिल जाएगी ना साहब, क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन रेमडेसिविर 1.5 लाख रुपए का इंजेक्शन है, आया तो 900 रुपये में था नितिन शुक्ला के नाम से, हॉस्पिटल ने गेम बजा दिया। समझ में आ रहा है, ये जो आपको दिख रही है ना, लोग जगह नहीं है, उस जगह नहीं के पीछे बहुत बड़ा नेक्सस ये चल रहा है, और ये नेक्सस आपके सामने है। 200 बेड खाली हुए सिर्फ नोएडा से, मैं कहता हूँ ये बेड खाली नहीं होने चाहिए थे, इनको जेल भेजना चाहिए था।